ना वो तो इल्म किताब बताया गया ना। अब ये वो किताब होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से तमाम किताबों की शक्ल में से पहले, और किताब के अलावा जो सहीफे उतारे गए अल्लाह ताला की तरफ से उसी किताब का, वो है कि इसके अंदर का जो इल्म है ये बातन इल्मी, वो भी खास किताब होती होगी, वो शायद सीने बसी नहीं आती जाए, किताब ही कहलाएगी मखवी उलूम। वो उसका जो मायर था, जानने वाला था, उसके पास ताकत थी आपको भैया, वो जिसको इल्म था उसने आनंद फनन में लगाया। किसी ने कहा कि हम इतनी देर में वो तख्त ला देंगे जितनी देर में आप बैठे हो, किसी का एक आध दिन तो आप दो, उनके हंगामा खड़ा कर देंगे, देखा जाएगा ले आएंगे। और जिसके पास वो इल्म था वो फासलों का कंट्रोल करने वाला इल्म, या ऐसा इल्म जिसमें फासले ख़त्म हो जाते हैं, टाइम का कंट्रोल आ जाता है। तो ये रिवायत भी है, तस्दीक है कि ऐसे ऐसे औलिया या वली गुजरे हैं कि घोड़े की एक रगह पर पाँव रखा और दूसरी रगह पर पाँव आने से पहले कुरान पूरा बोल गया, यानी कि कुरान जो है सारा दोहरा दी। तो ये है मतलब साहिबान कुरान ऐसे भी हैं। अब ये इतना टाइम एंड स्पेस में मुमकिन नहीं है कि कुरान का सारे का निगाह से निकल जाना, लेकिन कंट्रोल है वो कर देते हैं। समानों में कहा कि गर्दश उन लोगों के लिए रोक दी जाती है। अब ये राज है बड़ा, क्या कहा कि जमानों मकान की गर्दश रोक दी जाती है। इसी गर्दश करने वाले जमानों मकान में, अब समझने बात, गर्दश करने वाले जमानों मकान में गुजरने वाले वक्त में चलती हुई गाड़ी के अंदर उसके के लिए कोई ऐसा निकाल लिया जाता है रास्ता जहाँ टाइम की स्पीड कोई और किस्म की इन्फिनिटी है, वहाँ 4 साल 5 साल 10 साल चाहे 1000 साल लगा है, और फिर जब उसका वापसी इस गर्दश में सफर होता है तो उसी मोमेंट में होता है जिस मोमेंट में गया। ये एक ऐसा इसी कायनात में एक वाक़ा है कि ज़मानों में काम की गर्दश रुक जाए तो फिर जब उसके लिए दोबारा गर्दश शुरू हो जाती है तो वहीं जीरो थी जहाँ रुकी थी, वो है कि नो टाइम, एवरी टाइम करने के बाद भी नो टाइम उसके लिए। और ये बड़े राज की बात, लेकिन समझ नहीं आई आपको मेरी बात। कहते हम वहाँ से हो भी आए तुम यहीं बैठे हो, और हम वहाँ से हो भी आए तुम अभी तक जहाँ बैठे हो, ऐसा हो सकता है कि वो वहाँ से हुए और तुम यहीं बैठे हो क्योंकि तुम्हारे यहाँ गर्दश नहीं है, यानी कि तुम जिस गर्दश में हो ये और किस्म की गर्दश है, और वो जहाँ चले गए वहाँ और किस्म का वाक़ा था। जिस तरह यूँ समझ लो कि सूरज के नीचे जो है दिन और रात होते हैं, सूरज से पहले ना दिन है ना रात। अब वक्त जो आपका टाइम कीपर है कौन है? सूरज। जब टाइम कीपर ही से आप बाहर देखकर जाओ तो फिर टाइम क्या रह गया? टाइम से ज़्यादा हो गया, ना दिन ना रात ना घंटे ना 24। तो वहाँ एक ही वाक्य होगा, पता नहीं क्या वाक्य हो। तो मुमकिन है वहाँ क्या नेगेटिव स्पीड में एक आदमी अब जाए किसी और स्पीड में आके किसी और जमाने में दाखिल हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, इसलिए जाने दो इस बात को। तो गर्दश जमान में मकान रुक सकती है और उस आदमी को वापसी एंट्री मिल जाती है उसी मोमेंट में जबकि वो वहाँ पर कुछ और टाइम गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ताला के पास ऐसे वाक़ा है, अल्लाह की कुदरतें हैं, उसमें सब बदले में वाक़ा चलते जाते हैं कि वो गर्दश जमानों मकान के अलावा भी है। अब ये जो है जिसको ये वाक़ा मिल जाता है वो उसका जो टाइम है वो और टाइम हो जाता है। अच्छा, उसने मुमकिन है अगर 10 दिन लगाए वो तख्त लाने में, आप अजहर हैं, लेकिन जब तक तो तख्त वाली जो एंटर की है ना उसने, तो उसमें वही मोमेंट था वहाँ पर जिस मोमेंट में वो गए थे, वही लम्हा था, और वो लम्हा जो है गर्दश जमाने में कहाँ का लम्हा वही है, लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना वक्त लगा उसको। तो ये हो सकता है कि एक आदमी जो है वो वहाँ के कोई और काम करके आए और जाके देखे तो फिर वहाँ वही लम्हा हो कि कुन फयकून की ताकत है इसके अंदर, कुन फयकून कहा और हो गया।
इसमें कोई दरमियान का वक्त नहीं है कि कहना और होना, बल्कि कहने से पहले हो जाना। बाकी इंतजाम है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट करो, ये करो वो करो, बजट प्रोविजन इधर उधर ले लेना, आज कहा यहाँ ट्यूबवेल लगेगा, इंशाल्लाह 6 साल के बाद करेंगे, वहां पर बदले हैंडपंप भी लग जाए, क्या पता ऐसा वाक्य है, लेकिन वहाँ कुछ और ही था है, वहाँ कहना और होना, क्योंकि वहाँ कुछ जिंदगी के वाक्यात ही और हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ परिंदा जानने वाला है मोहब्बत नामा को कि हुदूद खबरें देता है, तो वहाँ फिर इल्म किताब जानने वाला बहुत बड़ा पावर होगा, तो जो हवाओं में चलने वाला जब पैगंबर हो, जमीन और हवा की मिल्कियत हो, उसके बाद जिसके परिंदे बोलने वाले हों, उसके बाद किताब को जानने वाला कैसा होगा, उसके बाद फिर आप अंदाजा लगा लो कैसा होगा, कहा जी वाक्य होगा। असल बात बताई जा रही है, अल्लाह ने बताया कि ऐसा हो सकता है कि किताब का इल्म है, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अय यकूल लहू कुन फयकून, वो जब इरादा करता है किसी बात का तो वो उसे क्या देता है, हो जा, बस वो हो गया, वो हो जाता है, जब वो कहता है हो जा तो वो हो जाता है। अब ये दरमियान का वक्त है, होने और हो जाने के अमल में कोई फासला नहीं, हो जा बस हो गया। ऐसे लोगों ने वाक़ात लिखे हैं तारीख में, फिर एक आदमी, अब ये वाक़ा उसने लिखने वाला सच कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची बात नहीं, कि एक दफ़ा एक साहब ने बयान किया, कहते मैं गया था बाहर जंगल में, वहाँ मैं बैठा हुआ किसी दरख्त के साए में, देखता क्या हूँ, एक पौधा निकला, पौधा वो कुछ बड़े मियाँ थे, कोई 50-60 साल की उम्र, वो बयान करते कि जब उसने देखा पौधा निकल रहा है, तो मैंने देखा कि पौधा बढ़ता जा रहा है मेरे सामने ही, हैरत का नाम तजब हुआ कि ये क्या, बढ़ते बढ़ते देखा उसमें फूल लग गया, वो भूले ने कहा कि मुझसे भी रोका नहीं गया, मैंने फूल तोड़ खा लिया, किसी को और ही करिश्मा है, फिर उस करिश्मे को मैंने खा लिया। अब बयान करने वाला लिखता है कि फिर हमने उसको देखा, घर गया, उसको बुखार चढ़ा, बड़ा सख्त बुखार, और वजूद उसका फूल गया, वजूद फूलने के बाद उसके जिस्म के जो गोश्त है वो उतरना शुरू हो गया, गिरने लग गया गोश्त, गिरने के बाद जब उसे देखा तो अंदर से 20 साल का नौजवान पैदा हुआ। मकसद ये है कि फिर बाद में उन्हें पता क्या ये क्या है, उनका ये कुन फयकून का फूल था। आप समझ रहे हैं कि ये उसकी पावर ऐसी होती है कि वो चाहे तो बंदे बूढ़ों को जवान कर दे, चाहे तो जवानों को बूढ़ा कर दे। अब उसके अंदर एक ताकत है, क्योंकि अचानक जो होगा और अचानक उसमें मतलब वाक्य हो गया, तो उसने कहा अचानक ही ताकत आ जानी चाहिए, तो अचानक ताकत उसको आ गई, उसको एज ही वापस करा दी एक फूल ने। इस तरह और एक पैगंबर के पास वाक्य हुआ कि वो देखते क्या है कि उस जमाने की बात है जब ये बहुत बड़े मतलब आपके कोल्ड स्टोरेज और डीप फ्रीजर नहीं होते थे, उस जमाने की बात है, ये हैरत की बात है उस जमाने में, कि देखा तो एक जगह पर बेमौसम फल है। ये क्या है, इस फल का तो मौसम नहीं, ये फल इधर किधर, तो फौरन एक खास ट्राई किया, तू बेमौसम फल पैदा करता है, क्या मुमकिन है कि मेरे बुढ़ापे में एक बेटा ही पैदा दे गए, दुआगी ये बेमौसम फल पैदा करने वाले के मेरे पास मेहरबानी कर, नवाजिश कर, एक बेटा ही पैदा कर, दुआ कबूल हो गया, उसको इतला होगी कि जा तुम्हारा बेटा और बेटे का ये नाम है। और बीवी चिल्लाती रह गई कि हम भी बूढ़े, हमारे वाकत भी बूढ़े, एक बुढ़िया, एक बाँझ, एक इधर वाकत, एक उधर वाकत, ये तू दुआ लेके बैठ गई, ये क्या बात है, क्योंकि दुआ मंजूर नहीं पड़ी, तू दुआ की बात कर रही, बे मौसम पैदा करने वाला है, तो बे मौसम पैदा करने वाला बुढ़ापे में बचा दे दे तो उसके लिए क्या उम्मीद है। तो ये सारे वाकत ये खुद ये खुद के वाकत है, यानी कि होनी के अलावा रूटीन से हट के, रूटीन की आटे मतलब ये कारोबार करो, दुकान एक होती है कारोबार चलाने के लिए, दुकान के बगैर ही मतलब लोग कारोबार करते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता, होता है, मतलब ये कि ये अचानक बेसबब कोई वाक्य हो जाए, छोड़ जाए उसको, बेसबब कोई वाक्य हो जाए जिसका सबब के साथ अल्लाह कोई ना हो, सबब नहीं था और वाक्य हो गया,
हो जाना, तो ये पावर की इस सारी कायनात में ये अमर चलता रहता है। कभी आप गौर करते रहा करो, वाक्य होता है। बहुत सारे वाक्य होते हैं काज के साथ इफेक्ट, वजह के साथ नतीजा, बाद का नतीजा होता है, वजह को नहीं होती। वो इलम वो था जिस इलम के सामने बहुत ताकतें होती हैं, और वो जौन सा जमाना जिस जमाने में मर्जी चाहे बरामद कर लेते, वो लामकान की परवाज हो जाती है। वो असली सी मुर्ग है वो, जिस जमाने में मर्जी ले जाए।